नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 27 जुलाई 2018 के करंट अफेयर्स में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का डिस्कशन। देखिए आज का सबसे पहला सवाल है दोस्तों, 10वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर है, देखिए यहाँ पर समावेशी विकास और चौथी औद्योगिक क्रांति के लाभों को साझा करने के लिए सहयोग। देखिए आज मेरा कुछ आवाज़ साफ नहीं निकलेगा, मैं थोड़ा परेशान हूँ, गला प्रॉब्लम मेरा हो गया, कल भी मैं इसी के कारण जो है कि करंट अफेयर्स नहीं ला पाया था। यहाँ पर देखिए देखिए सभी इंपॉर्टेंट्स पॉइंट है, इसे आप पॉज करके पढ़ लीजिए या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके पढ़ लेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सारे चीज़ लिखे हुए। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट देखिए हमारा प्रश्न है दूसरा, यहाँ पर कह रहे हैं कि भारतीय U19 क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने जो है कि श्रीलंका के खिलाफ युवा टेस्ट में दूसरा उच्चतम व्यक्तिगत स्कोर पर इतिहास बनाया है? तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका पवन शाह। जी हाँ, पवन शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो कि 4 में है। अब देखिए पवन शाह के बारे में आप पढ़ लेंगे, फिर यहाँ पर कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पवन शाह मतलब दूसरा बार भी देखिए खेले हैं, है ना, तो सेकंड इंडियन बैट्समैन के रूप में भी है ये देखिए यहाँ पर पॉइंट वाला है ना, सेकंड इंडियन बैट्समैन टू स्कोर ए डबल सेंचुरी इन यूथ टेस्ट। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप पॉज करके पढ़ लेंगे दोस्तों। आइए हम देखते हैं तीसरे प्रश्न को। देखिए आज का तीसरा प्रश्न में क्वेश्चन कह रहा है, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य को पश्चिम बंगाल से जो है कि चेंज करना चाह रहा है, कोई दूसरा नाम रखना चाह रहा है, तो वो कौन सा नाम रखना चाह रहा है? देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जब भी किसी मतलब राज्य का नाम बदलता है, तो ये क्वेश्चन का तो पूरा 101% मतलब पॉसिबिलिटी बनती है कि किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा। तो इसको देखिए ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल को अब जो है कि बांग्ला नाम रख दिया जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, बांग्ला। जी हाँ, अब इसके देखिए इम्पोर्टेंट पार्ट में कुछ महत्वपूर्ण ज़्यादा नहीं है, बस इतना आपको याद रखना है कि इंग्लिश में इसको बंगाल बोले जाएंगे और बंगाली में इसको बांग्ला बोले जाएंगे, और हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में इसको बंगाल बोला जाएगा। तो ये तीन नाम को याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट यही पॉइंट था दोस्तों। आइए चलते हैं अब चौथे प्रश्न पे। आज का देखिए चौथा प्रश्न कह रहा है, इंग्लैंड की 12वीं आर्मी में 2017 से 2018 के लिए इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है कि किसने प्राप्त किया है? तो देखिए ये प्राप्त किया आपका विराट कोहली, ऑप्शन नंबर 2 वाला राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट में यहाँ पर पहला तो आपको क्लियर हो गया होगा, दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, दूसरा पॉइंट पढ़ लीजिए, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट लिखा है, 12वीं आर्मी इज ए पॉपुलर फैन क्लब ऑफ इंग्लिश क्रिकेट सपोर्टर्स। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसे याद रखेंगे दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आज का देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्रों में जगदलपुर में छत्तीसगढ़ सरकार के कौन से मतलब योजना शुरू करेंगे? तो यहाँ पर देखिए शुरू करेंगे आपका संचार योजना दोस्तों, ऑप्शन नंबर 5 वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करूँ मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट में आपका दूसरा वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यही आपको याद रखना पड़ेगा कि अंडर द स्कीम, इसमें मतलब इस स्कीम में जो है कि 50 लाख स्मार्टफोन जो है कि बांटे जाएंगे उन सभी लोगों को जो कि इस क्षेत्र में रहते हैं। तो यही मेन पॉइंट था, कितना मतलब स्मार्टफोन बांटे जाएंगे, तो 50 लाख ये याद रखेंगे दोस्तों, और बाकी आपको देखिए कैपिटल, इसका गवर्नर, ये सब आप याद कर लेंगे। आइए अब देखते हैं छठे प्रश्न। छठा प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, 2018 अर्थ ओवरशूट के कब ओवरशूट डे जो है कि कब मनाया जाएगा? तो 2018 के अर्थ ओवरशूट कब मनाया जाएगा, मिला जुला करके यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा 1 अगस्त दोस्तों, चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका।
और ये इसके भी सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आप खुद से पढ़ लेंगे। आइए हम आगे चलते हैं सातवें पे। और ये देखिए आज का सातवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दोनों देशों के स्टार्टअप के बीच जो है कि निवेश सुविधा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने जो है कि किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर एग्रीमेंट किया है। तो इसका देखिए राइट आंसर है आपका फ्रांस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला पॉइंट पढ़ लेंगे। और अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप ये लास्ट के तीनों याद रखेंगे, है ना। कैपिटल इसका पेरिस हो जाता है, फ्रांस का प्रेसिडेंट यहाँ इमैनुअल मैक्रोन, और प्राइम मिनिस्टर हो गए आपको इडोर्ड फिलिप्स। तो ये इम्पोर्टेंट था दोस्तों। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे। आज का देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आठवां प्रश्न। यहाँ पर पूछा जा रहा है किस राज्य में जो है कि 18वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह का उद्घाटन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर तीन वाला यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करो तो यहाँ पर देखिए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, तो उन्हें आप पढ़ लेंगे। आइए चलते देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन को। नौवां प्रश्न देखिए कह रहा है 2018 विश्व कप गोल ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार जो है कि किसने जीता है। तो इसका देखिए जीता आपका बेंजामिन पवाड़े। तो बेंजामिन पवाड़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दो वाला। और ये कहाँ के हैं तो याद रख लेंगे, ये फ्रांस के हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट में आप ये पढ़ लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड कर करके। आइए हम चलते हैं दसवें प्रश्न पे। देखिए दसवां प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर कोई योजना का नाम बताना है, कौन से योजना के तहत जो है कि संसद सदस्यों द्वारा अपनाए गए सभी गांवों को सरकार द्वारा भारत भर में मुफ्त वाईफाई सेवाएं मुहैया कराई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपको ग्राम स्वराज अभियान, नहीं ये नहीं आंसर है राइट दोस्तों। राइट आंसर है आपका संसद आदर्श ग्राम राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये वाली है ना ऑप्शन नंबर दो वाली। अब देखिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करो तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट में आपका दूसरा वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लेंगे कि यहाँ पर देखिए क्या क्या कह रहा है। द गवर्नमेंट हैज प्रूव्ड सॉरी परपोज टू सेट अप 25,000 वाईफाई हॉटस्पॉट एट द एग्जिस्टिंग रूरल एक्सचेंज ऑफ द BSNL। तो यहाँ पर ये 25,000 वाईफाई सेवाएं उसको देंगे। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि कितना वाईफाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका सारे प्रश्न का आंसर दिया हुआ है। आइए अब चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। देखिए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सबसे पहला सवाल है, कहा जा रहा है यहाँ पर कि इंडियन एरोज का नया मुख्य कोच जो है कि किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है फ्लाइंग पिंटो को, है ना, फ्लाइंग पिंटो, जो कि ऑप्शन नंबर दो में दिया हुआ है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर भारत और युगांडा के बीच जो है कि कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो अभी आपको पता ही होगा कि मोदी जी गए हुए हैं अभी युगांडा, रवांडा और साउथ अफ्रीका के तीन देश के। तो यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार, ऑप्शन नंबर चार नहीं, चार टोटल एग्रीमेंट हुए हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर दो में दिया हुआ है दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा। पहला देखिए मैं बात करूँ तो पहला देखिए डिफेंस के क्षेत्र में, और दूसरा बात करूँ तो डिप्लोमेटिक टाइज के क्षेत्र में, और फिर कल्चर एक्सचेंज तीसरा हो जाएगा, और चौथा मटेरियल वेस्टिंग लेवोटिंग के लिए। तो यहाँ पर मिला जो कि टोटल चार है ना योजनाएं के लिए हस्ताक्षर किए। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, पहला है डिफेंस, दूसरा है डिप्लोमेटिक टाइज, और तीसरा है कल्चर एक्सचेंज, और चौथा है मटेरियल वेस्टिंग लेवोटिंग। आइए चलते अब नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दोस्तों, खेल मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए जो है कि कितना पेंशन देने की घोषणा किया है। तो यहाँ पर देखिए 20 लाख पेंशन मिलेगा उसे, सॉरी 20,000 उसको पेंशन मिलेगा। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर पाँच में दिया हुआ है दोस्तों, पाँच में है ना। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा निर्मित कारगिल युद्ध स्मारक जो है कि कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका राफेल नडाल, कारगिल नहीं। क्या क्या बोले जा रहे हैं आप? नहीं, ये आंसर नहीं होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दारस। जी हाँ, दारस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है इसका बिल्कुल सही जवाब। आइए चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पर ATP टेनिस विश्व रैंकिंग में जो है कि कौन सा टेनिस खिलाड़ी सबसे ऊपर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर 3 में देखिए राफेल नडाल दिया हुआ है दोस्तों। छठा प्रश्न है आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, द धोनी टच अन इवनिंग है ना, अन इवेलिंग द इनिंगमा दैट इज महेंद्र सिंह धोनी, ये देखिए पुस्तक का नाम है, और ये मतलब पुस्तक किसने लिखा है, इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है दोस्तों। तो देखिए इसको लिखा है भरत सुंदरेशन ने, तो यहाँ पर देखिए चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा राइट आंसर, भरत सुंदरेशन। सातवां प्रश्न है दोस्तों, 19वां कारगिल विजय दिवस 2018 जो है कि किस तारीख को मनाया गया है? तो देखिए ये मनाया गया है, तो ये मनाया गया देखिए दोस्तों आपको 26 जुलाई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, और ऐसे बात करूँ मैं तो ये 24 से 26 जुलाई तक चल रहा था योजना, लेकिन मुख्य डेट आपको ये याद रखनी है 26 जुलाई। आइए चलते अब 8वें प्रश्न पे। देखिए आज का 8वां सवाल कह रहा है, किस राज्य में जो है कि एसिड हमलों के पीड़ितों को अक्षमता के तहत शामिल किया गया है, और वह विकलांगता अधिनियम 2016 के अनुसार सभी लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असम। ना 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 ना, असम नहीं होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 वाला मध्य प्रदेश हो जाएगा। आइए चलते अब 9वें प्रश्न पे। देखिए आज का 9वां प्रश्न है, यहाँ पर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस देश में गांधी विरासत केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो ये देखिए युगांडा राइट आंसर हो जाएगा, अभी मोदी जी वहीं गए हुए हैं ना, तो आप सभी को मालूम होगा युगांडा, रवांडा और साउथ अफ्रीका, देखिए तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, इनसे रिलेटेड मैंने 3-4 दिन से भी मतलब इसका जिक्र मैं कर रहा हूँ, तो आपको सब मालूम होना चाहिए। अब देखिए आज का लास्ट सवाल है इम्पोर्टेंट पॉइंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 जो है कि किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ब्रिक्स के बारे में तो आपको पता होगा, ब्रिक्स सम्मेलन आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग है ना, जोहान्सनबर्ग यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ठीक है, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।